हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 का हिस्ट्री का चैप्टर 3, द दिल्ली सुल्तान्स के एजर्शन रीजन क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले डायरेक्शंस डिस्कस कर लेते हैं, जो ऑप्शंस हमें गिवन होते हैं एजर्शन रीजन क्वेश्चन आंसर्स के अंदर। जो पहला ऑप्शन होता है वो होता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हियर ए स्टैंड्स फॉर एजर्शन एंड आर स्टैंड्स फॉर रीजन। नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है वो होता है बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट इज ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू एंड नेक्स्ट इज बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। ये फाइव ऑप्शंस होते हैं, उनमें से हमें राइट ऑप्शन सॉल्व करना होता है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट्स। आगे चलने से पहले आपको बता दें, इस चैनल पर दिखाई जाने वाली सभी वीडियोस क्लासेस वाइज डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट में ग्रुप की गई हैं और सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां से आप डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं। शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला एजर्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज नोन एज लख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक को लख बख्श कहा जाता था। रीजन प्रोवाइडेड इज कुतुबुद्दीन ऐबक इनिशिएटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। रीजन कहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को लख बख्श इसलिए कहते थे क्योंकि उसने कुतुब मीनार का यह कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था। सिर्फ कुतुब मीनार के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत करने से क्या वो लख बख्श हो गया? ऐसा तो नहीं है ना। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू करवाया था लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एजर्शन का। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या है? उसको लखबख्श क्यों कहा जाता था? बिकॉज कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज नोन एज लखबख्श फॉर हिज जेनरसिटी। उसकी जेनरसिटी की वजह से, जेनरस था बहुत ज्यादा, तो इस वजह से उसको लखबख्श कहते थे लोग। नेक्स्ट एजर्शन इज बलबन फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। बलबन ने ब्लड और आयरन की पॉलिसी को फॉलो किया। रीजन प्रोवाइडेड इज ही टैकल्ड इंटरनल एंड एक्सटर्नल ओपोजिशन फॉर्मली। कि उसने इंटरनल और एक्सटर्नल ओपोजिशन जो थे, जो उसके खिलाफ जो भी कॉन्स्पिरेसीज हो रही थी, उनको फॉर्मली उसने टैकल किया। तो इस वजह से उसकी जो पॉलिसीज थी उसको ब्लड और आयरन की पॉलिसी कहा गया। दोनों ही स्टेटमेंट सही लग रही है। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब भाई जो ओपोजिशन होगा उसको फॉर्मली तो टैकल करना ही पड़ेगा ना, तो इसीलिए उसकी जो पॉलिसीज थी उसको ब्लड और आयरन की पॉलिसी कहा गया। और यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट एजर्शन इज अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस्ड प्रैक्टिकल इनोवेट एंड इनोवेटिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ड्यूरिंग हिज रीन। अपने रीन के ड्यूरेशन में उसने काफी प्रैक्टिकल और इनोवेटिव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे। रीजन प्रोवाइडेड इज अलाउद्दीन फिक्स्ड प्राइसेस ऑफ ऑल आर्टिकल्स ऑफ कॉमन यूज। कॉमन यूज के जो आर्टिकल्स थे उनके प्राइसेस उसने फिक्स कर दिए थे। ऑल्सो स्पेशल ऑफिसर्स वर अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट टू रेगुलेट मार्केट। मार्केट को रेगुलेट करने के लिए उसने डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसर्स भी अपॉइंट करे थे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में, ताकि जो मार्केट का जो फंक्शन है वो प्रॉपरली चल सके, उसमें कोई धक्का पेल ना हो, उसमें कोई धोखाधड़ी ना हो। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही लग रही है। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं और दोनों ही सही हैं, और रीजन जो है वो एजर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट एजर्शन इज मोहम्मद बिन तुगलक एक्सपेरिमेंट्स लैक्ड प्रूडेंस एंड एंडेड इन फेलियर। मोहम्मद बिन तुगलक के जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनमें दूरदर्शिता की कमी थी, दूरदर्शी नहीं थे वो, और इसी वजह से उसके जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो फेल हो गए। रीजन प्रोवाइडेड इज मोहम्मद बिन तुगलक फॉलोड द पॉलिसी ऑफ अटैक एंड रूल। की रीजन कहता है कि उसने अटैक और रूल की पॉलिसी अप्लाई इसलिए उसके जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो फेल हो गए। ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं लगता। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। रीजन जो है वो फॉल्स है। क्यों? क्योंकि ही वाज अ स्कॉलर ऑफ हिज टाइम। अपने टाइम का स्कॉलर था
मोहम्मद बिन तुगलक, एंड ही वॉज वेरी हम्बल रूलर, और एक हम्बल रूलर भी था, लेकिन उसके जो एक्सपेरिमेंट्स थे उनमें दूरदर्शिता की कमी थी। जैसे कि उसने दिल्ली, अपनी जो कैपिटल थी वो दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करी, देवगिरी जिसको कहा जाता है, वहां पे शिफ्ट करने की सोची ताकि वो अपने पूरे एम्पायर को अच्छे से देख सके और जो मंगोल के जो अटैक है उनको कंट्रोल कर सके। लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि उसने सिर्फ ऑफिसर्स को ट्रांसफर करने के लिए नहीं कहा, बल्कि जितने भी वहां के उसके जो लोग थे, पीपल थे, सभी को ट्रांसफर करने का ऑर्डर कर दिया, जिसकी वजह से उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और वापस दिल्ली ही आना पड़ा। दूसरा, उसने टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करी जिसकी वैल्यू कॉपर और ब्रॉन्ज की टोकन मनी इंट्रोड्यूस करी, उसकी वैल्यू गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स के बराबर थी, जिसकी वजह से धोखाधड़ी शुरू हो गई, फोर्जिंग शुरू हो गई कॉइन्स की, तो उसे टोकन मनी वापस लेनी पड़ी मार्केट से। तीसरा, उसने लैंड टैक्स इंक्रीज कर दिया गंगा यमुना दाह पर। उस समय जिस समय उसने टैक्स इंक्रीज किया उस समय उस एरिया के अंदर फेमाइन चल रहा था, जिसकी वजह से जो पीजेंट्स थे उनमें गुस्सा हो गया, रोष भर गया, और वो जो थे मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट आवाज लगाने लगे, मींस उसके अगेंस्ट हो गए। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स उसने इंट्रोड्यूस करे, हालांकि किए तो अपने एम्पायर की भलाई के लिए, लेकिन क्योंकि गलत समय पर इंट्रोड्यूस किए गए, या उनकी जो उनके लिए जो तैयारी करनी चाहिए थी वो प्रॉपर नहीं रही, उसकी वजह से उसके जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो फेल हो गए। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।